العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز للمشتري أن يزيد للبايع في الثمن، और मुश्तरी के लिए जायज़ है कि वो बाए के लिए समन में इजाफ़ा कर दे तलबा इस मतन के तहत कुल दो मबाहिस पर गुफ्तगू करनी है बहसे अव्वल मतन में आने वाले मसले की वजाहत बह़ानी मतन पर तीन जदीद मसाइल का इंतबाक मा वजह इंतबाक पहला जदीद मसला किस्तों की अदायगी इंस्टॉलमेंट की तखिर की सूरत में ख़रीदार का बिल्डर को मुक्र कीमत से ज़्यादा देने का हुक्म दूसरा जदीद मसला दुकानदार का प्रिंट रेट से ज़्यादा कीमत लेने का हुक्म तीसरा असरी मसला मुजायदा यानी टेंडर का हुक्म अज़ीज़ तलबा मतन में मुसन्फ़र रहमा ये मसला बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी से कोई चीज़ मुतन कीमत पर ख़रीदे और ख़रीदने के बाद उस चीज़ के समन में इजाफ़ा कर दे तो शरा मुशतरी का समन में इजाफा करना जायज़ है बशरते के मबी मौजूद हो इसको मिसाल से समझें मसलन बा जैद ने पाँच सौ रुपये में उमर से कपड़ा ख़रीदा फिर जैद यानी मुश्तरी ने समन पाँच सौ रुपये में अपनी मर्जी से सौ रुपये का इजाफा कर दिया तो शरा मुशतरी का समन में इजाफ़ा करना जायज़ है क्योंकि मुश्तरी समन का मालिक है और हर मालिक को अपनी मिलकियत में मुकम्मल तसरफ का इख्तियार होता है इसीलिए मबी के कीमत के मुतन हो जाने के बाद मत शुदा कीमत में मुश्तरी का अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा करना जायज़ है इसी बात को मुसनफ़रमा ने इबारत में ज़िक्र किया है वह एजूज़ल मुश्तरी और मुश्तरी के लिए जायज़ है यजीद अलबा यही कि वो बाए के लिए इजाफा कर दे फिर सामनी समन में बहसे ानी मतन पर तीन जदीद मसाइल का इतबाक़ मा वजह इतबाक़ पहला मसला किस्तों की अदायगी इंस्टॉलमेंट की तखीर की सूरत में खरीदार का बिल्डर को मुक्रा कीमत से ज़्यादा कीमत देना अगर किसी शख्स ने किस्तों पर फ्लैट ख़रीदा और मकर्र कीमत में पूरी किस्त अदा ना कर सका और तखिर से किस्तों की अदायगी की वजह से बेचने वाले यानी बाए के मुतालबे के बग़ैर कीमत बढ़ा कर अदा कर दे तो शर्न ऐसा करने में कोई हरज नहीं है और बेचने वाले यानी बाए को इस जायद कीमत का लेना भी शरा जाइज़ है लेकिन यहाँ बतौर तंबीह के ये बात जहन में रखना चाहिए कि किस्तों की अदायगी की ताखिर की सूरत में ख़रीदार यानी मुश्तरी बिल्डर को जो जायद रक़म दे रहा है इसके जायज़ होने की दो शर्तें पहली शर्त यह है कि बिल्डर यानी बाए की तरफ से ताखी से किस्तों की अदायगी की सूरत में जायद रकम का मतालबा ना हो दूसरी शर्त ये है कि तखिर से किस्तों की अदायगी की वजह से जाइद रकम अदा करने का काफ़ भी ना हो अगर ये दोनों शर्तें मौजूद हैं फिर मुश्तरी यानी ख़रीदने वाले ने खीर से किस्तों की अदायगी की वजह से अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जाह रकम बिल्डर को दे दे तो शराब ये जायज है दूसरा असरी मसला दुकानदार का प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत लेना बाज दुकानदार अपने गाहकों से प्रिंट रेट से जायद कीमत करते हैं अगर मुश्तरी इस जायद रकम पर राजी हो तो शरा ये जायज़ है इसमें कोई हरज नहीं है तीसरा असरी मसला मुज़ायदा, यानी टेंडर का हुक्म मुजायदा बाए के जानब से होता है और मुश्तरी बोलियां लगाते हैं जो भी ज़्यादा बोली लगा दे उसके हक़ में बे मुनाकिद हो जाती है मसलन बाए को अपनी कोई चीज़ फरोख्त करनी होती है तो वो ऐलान निकालता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ फरोख्त करनी है जो उसे ख़रीदना चाहे वो फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ वक्त फलाँ जगह आ जाए अब ख़रीदने वाले सारे लोग वक्त मकर्रा पर हाजिर हो जाते हैं और उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हर शख्स अपनी बोली लगाता है और एक रकम का ऐलान करता है जिसकी तरफ़ से ज़्यादा बोली लगाई जाती है उसके हक में बे मुनद हो जाती है इस तरह गाहक यानी मुश्तरी का ज़्यादा कीमत लगाकर मबी को ख़रीदना शराजाइज है अज़ीज़ तलबा ज़िक्र करदा तीनों जदीद मसाइल को मुसनफ़ रहमत की इबारत व मुश्तरी वजूज़ुलिलुशतरीमनी अं पर मुंतबिक करने के लिए एक फ़िक़ही कायदे का जानना ज़रूरी है ताकि इतबाक़ सहल हो जाए और वो ये है कि हर शख़्स अपनी मिलकियत में जैसा चाहे तसरफ कर सकता है ज़िक्र करदा कायदे की रोशनी में इंतबाक वाज़े हो गया कि मुश्तरी का बाए को मुजायदा की सूरत में यानी टेंडर की सूरत में जायद रकम देना और किस्तों की अदायगी में ताखीर की वजह से बाए की तरफ़ से बगैर मुतालबे के जायद रकम देना इसी तरह प्रिंट रेट से जायद कीमत दुकानदार का उसूल करना शराजाइज है क्योंकि मुश्तरी समन का मालिक है और हर मालिक को अपने मिल्क में तसरफ का मुकम्मल इख्तियार रहता है और कायदा है कि हर आदमी अपनी मिल्कियत में जैसा चाहे वैसा तसरफ कर सकता है